तो गाइस आप सभी को टारजन HDR में स्वागत और इसी के साथ एक नया गेम प्ले वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। खैर मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पे तो आता नहीं, अगर आप लोग मेरे वीडियो तक किसी तरह पहुँच जाओ तो थोड़ा लाइक कर देना यार, और थोड़ा लाल वाले वो है ना बटन सब्सक्राइब वाला वो भी दबवा देना। घंटा उंटा दबाना है तो दबाना, नहीं दबाना है तो नहीं दबाना, खैर यार दबा ही देना, क्या करोगे अगर वीडियो तक आ ही गए हो तो। तो गाइस यहाँ पे बोट उट अच्छे खासे मिलेंगे, अभी मारेंगे इनको, देखना भरमार मारेंगे और ऑल बेसिन में जाके तबाही नहीं लेकिन ऑल बेसिन वाले लोंडे को बुला के मारेंगे। तो देख यहाँ पे पहले बोट को निपटा लेता हूँ, खैर नहीं तो लोंडे आएंगे तो सारे बोट को मार के चले जाएंगे। और अच्छा खासा दो चार बोट तो मार के गिरा ही दिया बोले, और दो चार बोट भेज दे तो किल अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं भैया और एक किल मिल जाती है हमको, बोले इस बार मेरा किस्मत जगा है क्योंकि इनसे पहले दो मैचों में जो बुरी मौत मरा हूँ ना, आप जो कहते हैं अकाल मृत्यु ना, वो वाले मारे साले मार के एकदम मुजरे कर रहे थे मेरे सामने, तरस आती थी कि मैं इस मैच में क्यों आ गया। और खैर बोट यहाँ पे और एक मिल जाता है, और भी मिल जाए दो चार बोट, और यहाँ पे बोट मार के ना बौछार लगा दिया। कह रहे यार आज बोट ही भेजा है क्या, ये तो पता नहीं, लेकिन ये बोट को मतलब ये बोट का जो फायर सुन सुन के ना देखना ऑल एक्शन के सारे लोंडे आ जाएंगे यहाँ पे लड़ने के लिए हमसे अकेले। खैर मेरे साथ यहाँ पे चार नंबर रहता है, तीन नंबर का पता नहीं, दो नंबर तो हैं। और यहाँ पे एक बग्गी वाला सीधा आके सुपरमैन की तरह नदी में कूदा देता है, बोले भैया यहाँ पे हम लोग पहले से घात लगाए बैठे तुम लोग की, अरे यार दो दो गाड़ी आके घुस गई नदी पे, अब तो लोंडे की बौछार होगी, पूरे ओल्ड बेसिन खाली हो चुके, ये लोंडे को शायद दौड़ा रहा था ये लोंडा, और देखना अभी क्या मार चलेगी, ज़बरदस्त मार चलेगी। बग्गी वाले कहाँ गए, बग्गी वाले खैर उठा नीचा कर रहा था, तो इनको बोले तू लो भी चल यार यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, बहुत से लोंडे हैं। और यहाँ पे देखो आखिर कितने देर रहोगे पानी के अंदर, पानी पी पी के साला अगर मर जाओगे भीतरे में। तो ये लोग अच्छा किया कि ऊपर निकल लिया, किल उल दे दिया, और इनका एक लोंडा और कहाँ रह गया वो पत्थर के पास, खैर इनको भी दिया अच्छा खासा लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे मेरा दो नंबर नॉक हो जाता है, मैं सोचा दो नंबर को रिवाइव कर यार, चार नंबर बोल रहा था उनको, खैर वो सुनता कहाँ है, मैं बोल रहा कि इनको कवर दे रहा हूँ, ये इनको निकलने नहीं दूंगा, मेरे पास एमओ की भी कमी है, एक मैगजीन बचा है वो भी गन के लगा है, रिलोड तो लेगा नहीं। खैर दो नंबर को मैं ही रिवाइव करने के लिए सोच रहा था, चार नंबर तो एक रो बैंडेज लगा रहे तभी से खमार खा लिया रिवाइव करने के नाम पे, लेकिन लोंडे और भी नदी के उस पार थे तो बोले यार पत्थर के नीचे, लेकिन तब तक वो लोंडा ठीक करके मार रहा था। खैर कितना खाओगे, खाते खाते थक गया और लास्ट में लोबी चला गया। और यहाँ पे नदी के उस पार भी लोंडे रहते, मेरा पार्टनर बता रहा था, खैर मैं जाऊँगा तो सबको बजाऊँगा बारी बारी से। और यहाँ पे मैं लूट पोट तो कर लिया, और एटीएम इतनी अच्छी चलती नहीं है, इतने दूर से मारो तो लगती नहीं है, ये शॉर्ट रेंज के लिए सही है। फिर से दो नंबर प्रसाद ले लिया, यार तुम कर क्या रहे हो, जाओ जाओ। खैर नदी के उस पार मैंने चार नंबर को भेज दिया था कि भाई तू उस पार से जाके उधर से मार पत्थर के उस पार से, मैं इस पार से आके, लोंडे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, लेकिन भाई चार नंबर के साथ गजब हो जाता है। चार नंबर को तो मैं भेज देता हूँ पर वो मेरे कहना मान भी जाता है, लेकिन यार तकलीफ हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हो चार नंबर जैसे जाके वहाँ से मारना स्टार्ट करते कि लोंडा इस पार आया, इस पार आया बम, अरे और तब तक मैं एक लोंडे को नॉक कर देता, चार नंबर को भी नॉक कर देता। तो मैं सोचा यार चार नंबर को जाके बचाना ज़रूरी है, नहीं तो मैंने भेजा और बचाया भी नहीं, वो गाली देगा भीतरे भीतर। यहाँ पे ये लोंडा शायद रिवाइव हो जाएगा मेरे आते आते, इनको रिवाइव करने के लिए मेरे पास बम नहीं था, नहीं तो वहाँ पर बम मारते थे, रिवाइव करके वो लोंडा सीधा एकदम हमला करने के लिए, चार नंबर को फिनिश करने के लिए आया होगा हैवान, नाम रखा हैवान, और ये हैवान ने हैवानी विधि दिखा दिया, मेरे लोंडे को फिनिश कर दिया। खैर यहाँ पे सारे लोंडे ख़त्म हो जाते हैं और लास्ट सर्कल की तरफ आते हैं, क्योंकि रास्ते में तो कहीं कुछ मिला नहीं, कुछ दिखाया भी नहीं। खैर गाइस अगर वीडियो तक पहुँच ही गए तो थोड़े चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो यार, तो ऐसे तो कुछ जाएगा नहीं पर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़े हमको मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग। खैर नहीं करोगे तो भी चलेगा लेकिन कर ही देना यार। और यहाँ पे BRDM वाले भैया को जो बुरी मौत मारेंगे ना, अकाल मृत्यु मारेंगे, ये BRDM इतने मेहनत से प्लेयर मिलते और BRDM ले आया भैया, नमकी उमके उठा लेते हैं WM स्नाइपर कुछ हो, लेकिन यहाँ पे BRDM को मार मार के ना फोड़ देते हैं, और इनका ये घास पतंजलि सूट वाला को टपका देते हैं एकदम, इनके लोंडे कहाँ हैं पता नहीं। तो सामने ड्रॉप रहता है तो बोले ड्रॉप लूटने लुटाने से पहले लूट लेते हैं, नहीं तो RPG निकला ना भैया तो ना S12 के काम आएगी, ना M4, ना कुछ काम आएगी, मारेगा सीधा बम, ऐसे छोटे मोटे सर्कल में मिस्टेक भी नहीं होगा, सीधे धुआं उड़ा देगा। खैर मैं RPG लूटने के लिए तो जा रहा था लेकिन लूट तो नहीं पाया, मैं ऊपर ही रह गया क्योंकि
पता नहीं लौंडे कहाँ से स्प्रे दे रहे थे, तो मैं सोचा लूटने जाऊँ और कहीं मेरा पेट ही ना बना दे। तो खैर इसमें कुसमक अंडा उंडा फेंकेंगे इधर उधर, कबर बनाएंगे यहाँ पे, देखते हैं भैया पहले ही लूट चुका है कोई। खैर कौन लूटा मुझे पता नहीं, यहाँ पे अंडे उंडे अच्छा खासा फेंक फाँक के एकदम मुर्गे उर्गे बनवा दिए, और यहाँ पे एक ही लौंडा बचा, बोले अभी एस ट्वेल्व के से जो बजाएंगे इनको ना, और चिकन डिनर